हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से दो फेस ड्राइंग, एक मेल और एक फीमेल। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, उससे एक लड़की का फेस मैं कैसे बना रहा हूँ। आप लोग भी इस तरह से ही बनाते जाइए। उसके बाद इजी स्टेप बाय स्टेप उसका फेस जो है वो भी कंप्लीट करेंगे। मगर ये जो ड्राइंग है थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होगा, इसमें जो आई लिप्स वगैरह डिटेल में काम हम लोग नहीं करेंगे, लड़की की तरफ भी और लड़के की तरफ भी, दोनों ही फेस थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का ही होगा। अभी जो लड़का है उसका फेस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ये तो हो गया है। अभी ये हाथ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जिससे वो लड़की के जो हेयर है इन्हें ठीक कर रहे हैं। आप लोग इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। अभी मैं ले रहा हूँ 10 रुपीज़ में मिल जाने वाला एक परमानेंट मार्कर पेन। जी हाँ, आप लोग भी अगर वाटर कलर करने वाले हो मेरे जैसे तो मार्कर पेन का ही यूज़ करिए। उसके बाद जितने भी आउटलाइन अपने बनाए हैं उन्हें डिटेल में एकदम बॉर्डर कर दीजिए ब्लैक कलर के जो परमानेंट मार्कर पेन होते हैं उससे। ये तो लड़की का जो फेस एंड फिगर है ये तो कम्प्लीट हो गया। अभी लड़के का जो है ये भी हमने कम्प्लीट कर दिया है। आप देख सकते इतना काम हो जाने के बाद, क्योंकि मैं वाटर कलर करने वाला हूँ इसके लिए वाटर कलर मटेरियल्स में रेडी कर रहा हूँ। अगर आप पेस्टल कर रहे हैं या फिर कलर पेंसिल आप या फिर ब्रश पेन भी कर सकते हैं तो वो मटेरियल्स रेडी कर लीजिए। वाटर कलर के लिए मैंने सबसे पहले एक मोटा सा ब्रश लिया, पानी में भिगाया और बैकग्राउंड को थोड़ा सा गीला कर दिया। उसके बाद मैंने कोबाल्ट ब्लू कलर लेकर के पानी के साथ मिक्स करके बैकग्राउंड में देना शुरू कर दिया। अगर आपके पास ये वाला कलर नहीं है तो अगर आपके पास स्काई ब्लू कलर है वो कलर से भी आप लोग कर सकते हैं। बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद हमें चाहिए होगा स्किन कलर, या फिर जिसे हम लोग पीच कलर भी कहते हैं। पीच कलर अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर बना लीजिए। उसके लिए आपको मिक्स करना होगा व्हाइट कलर एंड थोड़ा सा ब्राउन कलर, दोनों कलर को मिक्स कर लीजिए, बन जाएगा स्किन कलर। अभी हो जाने के बाद थोड़ा सा सूखने दीजिए। उसके बाद ब्राउन कलर थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए और व्हाइट थोड़ा सा कम, इससे क्या होगा डीप स्किन कलर बन जाएगा, डार्क स्किन कलर। उससे स्किन टोन जो है मैं अभी कर रहा हूँ आप लोग भी कर दीजिए। इतना काम हो जाने के बाद हमें चाहिए होगा येलो कलर या फिर मीडियम येलो कलर। मीडियम येलो कलर अगर आपके पास है तो जितने हिस्से पे मैं मीडियम येलो कलर कर रहा हूँ आप लोग भी कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल येलो कलर भी कर सकते हैं। इतना काम हो जाने के बाद हमें चाहिए होगा येलो ऑकर कलर। येलो ऑकर कलर से जो डार्क टोन है वो हम लोग करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने तो काम शुरू भी कर दिया है, आप लोग भी शुरू कर दीजिए। इस तरह से जो डार्क टोन है येलो ऑकर कलर से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अभी इतना काम हो जाने के बाद हमें चाहिए होगा रेड कलर। अगर आपके पास रेड कलर दोनों तरह के हैं जैसे क्रिम्सन और स्कारलेट तो फिर आप लोग जरूर क्रिम्सन कलर ही यूज़ करना। मैं भी क्रिम्सन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक ही रेड कलर है तो आप नॉर्मली उसी कलर से कर दीजिए जैसे कि मैं ये यहाँ पर कर रहा हूँ। करने के बाद थोड़ा थोड़ा लाइट टोन देने के लिए ब्रश को पानी से धोकर पोंछ के वो लाइट टोन मैंने दे दिया। अभी सबसे जो महत्वपूर्ण कलर है वो है ब्लैक कलर, बहुत ही डेंजरस कलर भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा गलती हो गई इस कलर को करते हुए तो पूरा का पूरा जो हमारा ड्राइंग है वो एकदम गंदा दिख जाएगा। सो गाइस, एकदम संभल के धीरे धीरे करके ब्लैक कलर से ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। दोनों फिगर जो हमने ड्रॉ किए थे इनका जो हेयर है ये हम लोग ब्लैक कलर से कंप्लीट कर रहे हैं, आप लोग भी कर दीजिए। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा ड्राइंग कितना बढ़िया दिख रहा है। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए।